अपडेट्स अब तक ये पहुंचा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से कि मनशियात स्मगलिंग केस में राणा सनावला की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने राणा सनावला को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस चौधरी मुश्ताक ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। इसी मुतालिक अपडेट्स हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी लाहौर शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब रियाज बताइएगा, रिहाई का परवाना मिला है, क्या कहा गया है अदालती हुक्म में? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मुश्ताक पर मुश्तमिल बेंच जो है वो राणा सनावला की दरख्वास्त जमानत पर समाप्त कर रहा था। अदालत ने कल दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया था और आज अब से कुछ लम्हे पहले जो ये फैसला सुनाया गया है जिसमें राणा सनावला की दरख्वास्त जमानत मनशियात केस के अंदर जो है वो मंजूर करते हुए 10-10 लाख रुपए के दो मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है जिसके बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। अदालत ने जो है जिस वक्त फैसला सुनाया तो उस वक्त कमरे अदालत में राणा सनावला की अहलिया और उनके जो दामाद हैं और वकला जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं उनकी बड़ी तादाद कमरे अदालत के अंदर मौजूद थी। इससे कबल जो है वो जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से शदीद मुखालफत की गई दरख्वास्त जमानत पर, उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो आ गई है। जब मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था तो उससे मनशियात भी बरामद की गई थी और उसमें अदालत को जानिब से उनकी जानिब से ये कहा गया कि इनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो मुस्तरद की जाए क्योंकि चालान मुकम्मल हो चुका है, ट्रायल जो है वो शुरू होने वाला है, इसलिए इनकी फौरी तौर पर जमानत जो है मंसूख करने का हुक्म सादर किया जाए।